हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले बायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे थे पादपों में जल अवशोषण के मार्ग, जिसमें एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट व राजस्थानी पाद का अध्ययन कर चुके थे, जिनमें जल का मार्ग का मुख्य पद कौन सा था? एपोप्लास्ट। तो आज हम बात करेंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण क्रियाविधि के बारे में रैनर ने सर्वप्रथम समझाया तथा क्रेमर वैज्ञानिक थे, क्रेमर ने जल अवशोषण क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जल अवशोषण क्रिया दो प्रकार से होती है, नंबर एक सक्रिय जल अवशोषण, नंबर दो निष्क्रिय जल अवशोषण। सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रिय जल अवशोषण की। सक्रिय जल अवशोषण क्या है? ध्यान रहे कि जब जल अवशोषण करने वाले कारक जड़ों में स्थित होते हैं, अर्थात जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है, उसे कहा जाता है सक्रिय जल अवशोषण। यह जल अवशोषण उस स्थिति में होता है जब मृदा में पर्याप्त जल की मात्रा उपस्थित हो। तथा कम वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में मृदा में जल की मात्रा उपस्थित होती है तथा कम वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में क्या होता है? सक्रिय जल अवशोषण होता है कि मृदा में अधिक मात्रा में जल होता है तथा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखें यहां पर अधिक जल की मात्रा होना और कम वाष्पोत्सर्जन होना, उस स्थिति में क्या होता है? सक्रिय जल अवशोषण होता है। अर्थात इसमें जड़ों के अंदर बल उत्पन्न होता है, अर्थात जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इसमें उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें इसमें उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह प्रातःकाल व रात्रि के समय होता है। ध्यान रखें प्रातःकाल व रात्रि के समय क्या होता है? सक्रिय जल अवशोषण होता है, जड़ों के द्वारा होता है। इसमें जल अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है, अर्थात जड़ें होती हैं जो सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। कम वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में होगा और मृदा में अधिक मात्रा में जल उपस्थित होने पर एक प्रकार से क्या होगा? सक्रिय जल अवशोषण होगा। नंबर दो की बात करेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण। ध्यान रहे निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है कि जब जल अवशोषण करने वाले कारक पत्तियों में स्थित होते हैं, जब जल अवशोषण करने वाले कारक किस में होते हैं? पत्तियों में, अर्थात जड़ें केवल मार्ग का कार्य करती हैं, अर्थात इसके अंदर
प्रेरक के अंदर बल उत्पन्न होता है और यह अवशोषण अधिक वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में होता है। जब अधिक क्या हो, वाष्पोत्सर्जन, अधिक वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में क्या होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। कि जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, अधिक होती है, इसमें सक्रिय रूप से कौन भाग लेती है, पत्तियां भाग लेती है, ध्यान रहे। अर्थात पौधों में जल अवशोषण की जो मुख्य विधि है वो कौन सी होती है, निष्क्रिय जल अवशोषण, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पर आधारित है। इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे आप कि सक्रिय जल अवशोषण दो प्रकार से होगा, पराशन के द्वारा, एक पराशन विहीन होगा, तो जिसका अध्ययन तो अगली क्लास में बात करेंगे, लेकिन आपको अभी इतना ही बताया गया है, सामान्य रूप से सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में बताया गया है। अगली क्लास में सक्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होगा उसकी बात करेंगे, निष्क्रिय अवशोषण किस प्रकार से होगा उसकी बात करेंगे, यहाँ पर इनके बारे में सामान्य रूप से बताया गया है। ध्यान रखें इन दोनों में आप अंतर भी कर सकते हैं कि सक्रिय जल अवशोषण होगा ये किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा। निष्क्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण करने वाला कारक किसमें होते हैं, पत्तियों में, अर्थात इसके अंदर जो बल उत्पन्न होगा वो किसमें होता है, जड़ों में, तो इसके अंदर किसमें उत्पन्न होता है, प्रेरणों में, ध्यान रखें। अर्थात ये कब होता है, कम वाष्पोत्सर्जन होने की स्थिति में होता है, तो ये कब होगा, जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है, अधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अंतर आप कर सकते हैं। और पौधों में जल अवशोषण की जो मुख्य विधि होती है वो कौन सी है, निष्क्रिय जल अवशोषण, ध्यान रखें। अर्थात ये किस पर आधारित होता है, वाष्पोत्सर्जन पर आधारित होता है। तो ये था जल अवशोषण की क्रियाविधि के दो बिंदु है, अर्थात सक्रिय जल अवशोषण और नंबर दो निष्क्रिय जल अवशोषण। इससे आगे हम अगली क्लास में इनकी क्रियाविधि की बात करेंगे कि सक्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होगा, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, सक्रिय जल अवशोषण क्या है, किस प्रकार से होगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है, किस प्रकार से होगा, उसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।